Hello friends, I'm going to my house today. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। नमस्ते, कैसे हैं आप सभी? मैं ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपका भाई अपना भाई योगा टीचर अभी भारद्वाज। सो दोस्तों, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ चीन की राजधानी बीजिंग से, और आज जो है मैं बीजिंग से चांगचुन सिटी वापस जा रहा हूँ नॉर्थ चाइना। पहले तो हम जाएंगे रेलवे स्टेशन, और आज बैठेंगे हम बुलेट ट्रेन में और ट्रैवल करेंगे बीजिंग से लेके चांगचुन तक का, और उसमें हमें जो है 4.5 आवर लगने वाले। फ्लाइट में तो 2.5 घंटे लगते हैं और बुलेट ट्रेन में 4.5 घंटे लगते हैं। नॉर्मल ट्रेन में जो है पूरी रात लग जाती है, मतलब पूरा रात को 6 बजे बैठेंगे, दूसरे दिन आप 6-7 बजे जो है चांगचुन पहुंचते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन का जो सफ़र है ये बहुत बेस्ट रहता है। कैसा रहता है, क्या बेनिफिट्स रहते हैं फ्लाइट और नॉर्मल ट्रेन से जो है बेस्ट है, क्यों है, वो सब इस वीडियो में आपको देखने के लिए मिलेगा। और दोस्तों, हम किस काम से बीजिंग आए थे आपने हमारी पिछली वीडियो में देखा होगा। योग्यता के लिए जो है OCI कार्ड अप्लाई कर रहा था इंडिया का, वो अप्लाई हो गया है फाइनली सक्सेसफुली। इंडियन एम्बेसी वालों ने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया है, बहुत अच्छे से हमारे डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्ट भी कर लिए हैं, और अब देखते हैं कि अब जो है योग्यता को कब जो है भारत का ये ग्रीन कार्ड, ये OCI कार्ड मिलता है, ताकि आने वाले टाइम पे जो है हम कभी भी बाहर ट्रैवल करें, अपने देश ट्रैवल करें, तो हमें कोई परेशानी ना आए, उसके लिए ये जो है OCI कार्ड होता है। इसके लिए मैं एक पूरी वीडियो डिटेल में बनाने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं OCI कार्ड के लिए, तो वो वीडियो आप जो है देखना ध्यान से। पर आज जो है पहले इस वीडियो को देखिए, हमारे साथ आप भी ट्रैवल कीजिए बीजिंग टू चांगचुन। सबसे पहले तो हमने टैक्सी बुक किया, टैक्सी में बैठे हैं भाई, रेलवे स्टेशन जा रहे हैं हम लोग। ये है दोस्तों बीजिंग का रेलवे स्टेशन, हम पहुंच गए रेलवे स्टेशन के एंट्रेंस गेट पे। ओए, आराम से, मानता है नहीं, अपनी साइकिल खुद से लेनी है, खुद से चलानी है। चलो, इसका बढ़िया है भाई, साइकिल लेके हर जगह घुस जाता है। गो 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 इनसाइड। ये है भाई साहब रेलवे स्टेशन। भाई साहब, बुलेट ट्रेन में ट्रैवलिंग का सबसे पहला रीजन कि एक बार चेकिंग होती है बस। दूसरा रीजन यहाँ पे ऐसा है कि आपको जो है एयरपोर्ट पे 4 घंटे पहले पहुंचना पड़ता है, यहाँ पे आपको 5-10 मिनट पहले पहुंचना है, बस काफ़ी है। और तीसरा जो है बहुत कंफर्टेबल सीट्स मिलती हैं इसमें। एक और बेनिफिट बता देता हूँ भाई साहब कि बुलेट ट्रेन में बैठ के ना आप बाहर का व्यू इंजॉय करते हुए जा सकते हो आराम से। जहाँ पे बुलेट ट्रेन में आपको जो है 4.5 घंटे लगते हैं, नॉर्मल ट्रेन में 12-13 घंटे लगते हैं, प्लेन में आपको जो है 4 घंटे पहले एयरपोर्ट पर आना पड़ता है, 10 बार तो आपकी चेकिंग होती है, इमिग्रेशन होता है, ये वो बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, सीधा आओ, टिकट पकड़ो अपनी, ऑनलाइन बुक की है, बैठो ट्रेन के अंदर, उतरो, बस कहानी ख़त्म। अगर आप चाइना के अंदर ट्रैवल कर रहे हो तो बुलेट ट्रेन मेरे हिसाब से तो सबसे बेस्ट है भाई। बहुत सारे लोग बोलते हैं, रवि भाई आपकी सिटीजनशिप कहाँ की है? तो भाई ये है मेरा पासपोर्ट, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इससे आपको शायद पता चल जाएगा मेरी सिटीजनशिप कहाँ की है। इंडिया की ही सिटीजनशिप है भाई, मैंने ये चेंज नहीं की। यो है जी चाइना का रेलवे स्टेशन, और यो है यहाँ पे ट्रेन के नंबर, कौन सी ट्रेन कहाँ जा रही, नंबर यहीं पे लिखे मिलेंगे। यो है जी अपना बीजिंग का रेलवे स्टेशन, चारों तरफ डिजिटल, ये देखियो भाई भीड़ देखियो चारों तरफ। लोग बैठ चुके हैं भाई ट्रेन के अंदर, ये हमारी ट्रेन के सीट नंबर हैं, बैग और साइकिल यहाँ पे रख दी मैंने, हमारा लकी रहा कि हमें स्पेस मिल गया यहाँ पे साइकिल रखने के लिए, बैग रखने के लिए। तो ये भाई साहब यहाँ पे, वैसे तो ऊपर भी जगह खाली थी सामान के लिए, लेकिन ठीक है, बैग बहुत बड़ा है। यहाँ पे टॉयलेट वॉयलेट सब पास में ही है। यहाँ पे टेम्परेचर, स्पीड, जहाँ जाना ट्रेन ने, वो सब लिखा आता है। हाय, तो दोस्तों हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन के अंदर। भाई बुलेट ट्रेन के अंदर जो सीट मिलती है ना आपको, बिल्कुल कंफर्टेबल मिलती है, ऐसी कंफर्टेबल सीट तो आपको जो प्लेन के अंदर जो VIP वाला सेक्शन होता है ना उसमें भी नहीं मिलती। ये देखो, एकदम लेट सकते हो आप,
अभी तो मेरे पीछे यहाँ बैग रखा है, साइकिल रखी है, इस वजह से अभी मैंने पीछे नहीं किया इसको पूरा। अगर बैग ऊपर रख दूंगा तो ये सीट पीछे हो जाएगी, एकदम से लेट सकते हैं आराम से। और इसका जो किराया रहता है वो भी ज़्यादा महंगा नहीं रहता है, 400 RMB में जो है बीजिंग से छांगचों सिटी पहुँच जाते हैं आराम से। भाई साहब चाइना का सोलर प्लांट देखो यार, ये सोलर लाइट का प्लांट है पूरा। बीजिंग से छांगचू जाते हुए रास्ते में इतनी सारी चीजें देखने को मिली ना भाई, ब्यूटीफुल सीनरीज। सोलर प्लांट देखा आपने, ऐसे कई सोलर प्लांट निकल गए, फ्री की बिजली बन रही है, उसका कोई बिल नहीं आना है, कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ी बहुत मेंटेनेंस ही होती है, तो ये काफी अच्छी चीज है। इसी से गाड़ियां चार्ज होंगी, पेट्रोल की जरूरत कम हो जाएगी, तो देश अमीर खुद ही हो जाएगा। पेड़ देखो यार, हरियाली देखो, यहाँ पे ना गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है कि पेड़ लगाने हैं भाई, पेड़ लगाने हैं, इससे जो है ना गर्मी कंट्रोल होती है। तो भाई जितने ज्यादा हो सकते हैं पेड़ लगाओ इंडिया में भी, और टेम्परेचर को कम करो भाई। भाई साहब इसमें कुछ लोग ना स्विमिंग कर रहे हैं, ये देखो भाई। और पानी ऐसे रख दो ना भाई, जरा सा झटका तक नहीं लगता इसमें। और अंदर देखो भाई, इसके टॉयलेट बाथरूम देखो भाई सब एकदम, मतलब यार क्या बात, इंडिया की कौन सी ट्रेन में ऐसी फैसिलिटी है भाई, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए भाई साहब। वंदे भारत में मैं गया था भाई, ऐसा उसमें तो था नहीं भाई साहब। यहाँ पे आपको ठंडा गर्म पानी मिलता है, और ये देखिए भाई साहब यहाँ स्टाफ खड़ा होने के लिए जगह है, दरवाजे एकदम से बंद हो जाते हैं, आग लगने पे आप ये यूज़ कर सकते हो। इंडिया में जो है बुलेट ट्रेन आने की संभावना कब तक है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए दोस्तों, ठीक है। वो जोर से मार रहा है भाई। थूक दिया। मैं करता हूँ तुझे। बस बस चुप कर, सबको इतना शोर कर रहा है, देख। पहुंच गए जी छांगचू, वापस पहुंच गए बीजिंग, अपना काम सक्सेसफुली करके वापस आ गए हम लोग। मजा आ गया भाई इस जर्नी में, आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। अमन पीछे रुक जाओ ठीक है, इसको बड़ी ज्यादा जल्दी लगी रहती है, सबसे पहले निकलना चाहता है। हम जाओ मैं, अब अपना सामान निकालेंगे। यहाँ है बेटा हमारा बैग, पीछे है, यहाँ पे रखा है मैंने। टोटल 4.5 घंटे का टाइम लगा है बीजिंग से छांगचू के लिए। ये है जी यहाँ का टैक्सी स्टैंड, छांगचू रेलवे स्टेशन का टैक्सी स्टैंड देखियो भाई, तो एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन टैक्सी स्टैंड भाई, कहीं सिगरेट की टूटी तक देखने को नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। ये देख लो नीचे भाई साहब, भाई साहब यहाँ पे यहाँ के लोग जो है ना सिगरेट पीते भी है ना, तो बिल्कुल मतलब डस्टबिन के पास जाके पीते हैं, सिगरेट की टूटी बुझा के डस्टबिन के अंदर डालते हैं फिर। हेलो दोस्तों, सो फाइनली वी आर इन छांगचुएन, हम जो अपने घर पहुंच गए हैं, हमारा जो काम था वो भी सही तरीके से सक्सेसफुली हो गया है। ये इसका अलग ही डांस चला हुआ है, इतना परेशान कर रहा है ये देखो, इसकी अलग ही मौज चली हुई है यार। बाय बाय बोलो सबको, बाय बाय, लव यू, लव यू, फिर मिलते हैं, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे, ओके मैं इंडिया आऊंगा, मैं इंडिया आऊंगा, देखो मेरा हाउस है, मेरा हाँ हाउस है, शायद हो शायद, ओके हाँ सबको पता है सबको इधर, अच्छा कोई बात नहीं। इसका स्पीकर था वो मैंने छुपा दिया, उसको ढूंढ रहा है।
मैंने छिपा दिया था, वो वीडियो में उसको याद आ गई। चलो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, और कहां से हमारी वीडियो देख रहे हैं आप अपने शहर सिटी गांव का नाम लिखिए, और वीडियो से रिलेटेड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना छोटा बड़ा भाई मान के सजेशन दे सकते हैं, हम उस पर भी काम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, हर हर महादेव। OCI से रिलेटेड वीडियो जो है बहुत जल्दी आने वाली है, उसको भी अपलोड करूंगा। ठीक है दोस्तों।